नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नामिका चौधरी ब्लॉग्स में। दोस्तों, पिछले 3 महीनों से मैंने कोई भी नया वीडियो नहीं डाला और आज मैं आपके साथ इसका रीज़न शेयर करने वाली हूँ, पिछले 3 महीनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि अप्रैल, मई और जून का महीना इस साल हमारे देश के लिए बहुत ही कठिन समय था और उस समय हम में से बहुत लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया, अपने फैमिली मेंबर्स को खोया। मुझे भी अप्रैल के मिड में न्यूज़ मिली कि मेरे दोनों पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव हैं और जैसे कि आपको पता है कि उस टाइम पे पूरे देश में लॉकडाउन था, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल था। एंड आई वॉज रियली वरीड फॉर माई पेरेंट्स। आई वॉन्टेड टू रीच टू माई होम टाउन एज सून एज पॉसिबल। मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना कोविड टेस्ट कराया एंड वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। उसके बीच में ही मुझे घर से फ़ोन आया कि मेरे फादर का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि हॉस्पिटल्स अवेलेबल ही नहीं थे, किसी भी हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे। तो दिल्ली एनसीआर से ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने कोऑर्डिनेट किए अलग अलग हॉस्पिटल्स में। करीब 6-7 घंटे बाद हमें एक जगह लकीली बेड मिला पापा के लिए और उनको हमने वहाँ एडमिट कराया और उसके बाद हम बाय रोड एमपी पहुँचे, मेरे होम टाउन। और जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ हालत बहुत ही ख़राब थी। मैंने ऐसा सिचुएशन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। रास्ते पूरे बंद थे, सड़कें सुनसान थी और सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कुछ भी नहीं। हर किसी के घर में सुनाई पड़ रहा था कि कोई ना कोई हॉस्पिटल में हर दूसरे दिन एडमिट हो रहा है, कोई ना कोई हर दिन गुजर रहा है। तो इस तरह का मंजर था आंखों के सामने। अप्रैल के एंड में मेरे फादर की डेथ हो गई और वी लॉस्ट हिम एंड दिस इज़ अ लॉस्ट विच कैन नेवर बी कॉम्पनसेटेड। मैंने अपने फादर के साथ कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ही वॉज अ वॉरियर, उन्होंने बहुत कोशिश की अपने तरफ से, पर कहते हैं ना कि भगवान के सामने किसी की नहीं चलती। शायद वो यही चाहते थे कि मेरा मेरे फादर के साथ इतना ही साथ रहे। दो ही इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट विथ अस, बट हिज मेमोरीज विल ऑलवेज बी देयर विथ मी। अभी संघर्ष ख़त्म नहीं हुआ था और इसी बीच में मेरी मदर का अचानक से ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा। बहुत मुश्किल से उनके लिए हमने हॉस्पिटल अरेंज किया और सब कुछ यहाँ भगवान भरोसे चल रहा था, इलाज भी भगवान भरोसे चल रहा था। कुछ भी श्योरिटी नहीं थी उस समय में। जिसने भी अपने फैमिली मेम्बर्स को हॉस्पिटलाइज किया होगा, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बेयर द कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। कोई भी इंश्योरेंस नहीं चल रहे थे, एवरीथिंग वॉज गोइंग फ्रॉम योर पॉकेट एंड कोई अश्योरिटी नहीं थी कि अगर आपने फैमिली मेम्बर को एडमिट किया है तो वो वापस आएगा आपके पास घर पे। तो इस तरह की सिचुएशन बन गई थी कि अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं तो शायद आप अपने फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं और अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो इलाज करवाना ही मुश्किल हो गया था उस समय पर। खैर, आई थिंक मेरे फादर की ब्लेसिंग थी कि मेरी मदर धीरे धीरे रिकवर करने लगी। बट इसके बीच में ही सडनली मेरे फादर इन लॉ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। हुआ यूं कि जब मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस टाइम मेरे फादर इन लॉ सीढ़ियों से गिर गए थे और उनके सर पे चोट आई थी, तो हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। एंड जिस दिन मेरे फादर की 13वीं थी, उस दिन मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई। सो वी वर लाइक लूजिंग आवर फैमिली मेम्बर्स वन बाय वन और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आज भी अगर मैं वो सीन याद करती हूँ तो मुझे
बहुत बुरा लगता है। मैं जो आपके साथ अभी शेयर भी कर रही हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ये चीज़ें आपको बताने में। एनीवेज, नाउ माय मदर इज़ रिकवरिंग। पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं उनको, बट हर हफ्ते उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। हर हफ्ते हम उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं चेकअप के लिए, एंड शी इज़ इम्प्रूविंग ग्रेजुअली एंड वी आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक। बट इसके बीच में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल के देखूं और कुछ नए वीडियोस पोस्ट करूं। आप समझ सकते हैं मेरे मन की हालत उस समय क्या थी। बट जब 3 महीनों के बाद मैंने अपना चैनल खोल के देखा तो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स इंटैक्ट थे, सब्सक्राइबर्स कम नहीं हुए थे। और इसी के बीच में आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए कि मैं कैसी हूँ और मैंने कोई वीडियो पोस्ट क्यों नहीं किया इतने दिनों से, एम आई ओके, इज एवरीथिंग ओके विथ मी। और आई वॉज रियली रियली टच्ड विथ दीज मैसेजेस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए सोचते हैं और ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि मैं कैसी हूँ और मेरी केयर करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत अच्छा लगता है अगर कोई आपके बारे में जानना चाहता है कि आप कैसे हैं। यू आर माई एक्सटेंडेड फैमिली। मैं चाहती थी कि ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। वेल, दिस वॉज द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। अभी आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड शेयरिंग ऑल दिस, तो इस वीडियो को मैं यहीं बंद करना चाहती हूँ। आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब से मैं अपने वीडियोस वापस से शुरू करूँगी, नए वीडियोस डालूँगी। फिर मुलाकात होगी आपके साथ अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।